मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ के पद पर आईएएस तपस्या सिंह परिहार को शिक्षक विशाल अस्थाना द्वारा रिश्वत देना महंगा पड़ गया। दरअसल यह मामला छतरपुर जिले के जिला पंचायत का है, जहां चुनाव के समय ड्यूटी न करने के मामले में शिक्षक विशाल अस्थाना को जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार ने सस्पेंड कर दिया था। वहीं जब जिला पंचायत सीईओ जब तपस्या सिंह परिहार अपने कार्यालय में बैठी हुई थी, उसी दौरान आरोपी शिक्षक आवेदन लेकर गया, जिसके साथ एक लिफाफा भी था। वहीं उसी समय आरोपी शिक्षक ने सीईओ मैडम को 50,000 रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन मैडम ने इनकार करते हुए कोतवाली टीआई को फोन किया और पुलिस को बुलाया, वहीं जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर मामले की पूछताछ कर रहे हैं। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। हाँ, एक शिक्षक हैं जिनको जो चुनाव में जब उनकी ड्यूटी लगी थी तो वो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आए थे और ड्यूटी भी नहीं करना चाह रहे थे, तब हमने उनको उन पर कार्रवाई करी थी और उनकी जांच अभी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिए थे उसको हम प्रमाणित करवा रहे थे कि वो सही है या नहीं है वो जो कह रहे हैं। तो उनको सस्पेंड किया था, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने रिश्वत ऑफर करी 50,000 की कि आप मुझे बाहर।